नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रशन विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। थाने महानगर पालिका सफाई अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब हमारी टीम इसकी सच्चाई जानने के लिए वागले के रामनगर इलाके में पहुंची, तो सच्चाई देखकर सबके होश उड़ गए। नाले सफाई के नाम पर अधूरा काम किया जा रहा है और कचरा निकाल कर लोगों के घर के सामने कई दिनों तक रख दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कोरोना की वजह से लोग कम बीमार पड़े और परेशान हुए? जो लोगों के घरों के सामने कई दिनों तक कचरा रखा जा रहा है और बीमारी को खुलेआम फैलाया जा रहा है। इसमें बात यह है कि जो विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान साहब, वो आए थे तो उन्होंने बहुत जगह पे उन लोगों को सूचित किया था कि ये काम किया जाए, वो काम किया जाए, लेकिन ये सब मतलब दिखावे वाली ही बात थी। हम आपको मारने जैसा करेंगे, आप रोने जैसा करो, ऐसे वाली बात थी। लेकिन आप ग्राउंड में देखेंगे, जहाँ पे नाले सफाई का नाम था वहाँ पे कोई नाले सफाई ठीक तरीके से हुई नहीं। ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं, जहाँ पे भी कचरा निकालते हैं वहाँ पे रखते हैं, 10-10 दिन तक रखते हैं। स्थानिक लोक प्रतिनिधि है या स्थानिक ठेकेदार है, इन लोगों की लॉबी सालों से काम कर रही है और एक ही बंदे को लास्ट 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। एक ही बंदा है, लास्ट हम लोग 3-4 साल से देख रहे हैं, एक ही बंदा ठेका ले रहा है, वही काम किया जा रहा है, वही बच्चे लोग लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने पहले दिन से ही बताया था कि इन लोगों को साफ सफाई करते हुए हाथ में हैंड ग्लोव्स दिया जाए, इनको मास्क दिया जाए, इनको सेफ्टी मेजर्स दिया जाए। वो लोग ने इस तरीके की कोई बात नहीं की। और जो कचरा है, कचरा इन्होंने जहाँ पे रखा है वो पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, है ना। कोविड के सिचुएशन में गटर से निकला हुआ कचरा, जिसमें सैनिटाइजर्स है, सारे नैपकिन्स है या जो भी मास्क वगैरह है, वो बाहर ऐसे खुले में पड़े हैं, जिससे रोगराई से लोगों की ज़्यादा जान जा सकती है। लेकिन ये चीज़ में स्थानिक लोक प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है, ना उनको इस सब चीज़ों से कुछ लेना देना है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग है कि जो भी लोग हैं, यहाँ के इंसान हैं, जिनके जान पे आप चुन के आ रहे हैं, जिनके जान पे आप लोगों तक जा रहे हैं, है ना, तो इसमें हम लोगों का यही कहना है कि भाई उन लोगों का जिंदगी का अगर वक्त आया है तो ये सब छोटी मोटी चीज़ है, आप आके देख सकते हैं और काम कर सकते हैं, इससे बड़ा मौका आपको मिलेगा नहीं। मामला रामनगर के राधेश्याम तबेला और राम सबूज तबेले का है, जहां नाले सफाई के नाम पर लिपापोती किया जा रहा है और थाने मनपा के अधिकारी और सत्ते में बैठे राजनेता नाले की सफाई का रोज दौरा कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह से लिपापोती का ठेका देने वाले थाने मनपा के अधिकारी और सत्ते पे बैठे राजनेता क्या कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं कि कागजों पे सफाई का फाइल बना के लोगों में बीमारी फैलाने के लिए ठेकेदारों को खुलेआम छोड़ रहे हैं। अगले स्टेट का रामनगर का इलाका है, आप देख सकते हैं पालिका कह रही है कि बहुत तेजी से नालों की सफाई हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा नाला जाम दिखाई दे रहा है। स्थानियों की माने तो उनका कहना है कि ये नाला कम से कम यहाँ से 2 से 5 फीट नीचे डीप है, लेकिन नाले की सफाई नहीं होने की वजह से नाला पूरी तरह से भर गया है, जिसका कारण ये है कि बारिश आने के बाद लोगों के घर में पानी घुस जाती है। हमारे साथ रहवासी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। काका, क्या बताएंगे आप, कितना सफाई हुआ है नाले का? सर सफाई कुछ नहीं हो गया, काले इसको नीचे आए तो 3 फुट का दीवार दिख हुआ है, नीचे निकालना पड़ेगा उसका। और 3-4 फुट है, हाँ उसका दिख हुआ है पूरा, उधर तक है वो कांटेक्ट है, उधर से मेरा दिख हुआ है इतना है 3 फुट का, वो निकालेगा तो अपने को कुछ तकलीफ नहीं होएगा। ये डिप निकालने के लिए बोला था, निकाला नहीं। किसको बोला था काका आपने? और वो इधर आया था मुकदम, संदीप कदम, नहीं वो औरत आया था, वो लेडी, उसको हम लोग को बताया ये डिप उठाने का, वार्ड डॉक्टर बोला ये उठाओ, ऐसा बोला था वार्ड डॉक्टर, बोला था उठाया नहीं, वो छोटा छोटा पत्थर भी नहीं निकला, ऐसा बड़ा बड़ा तोड़ दो छोटे छोटे। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को बारिश में? बहुत तकलीफ होता है, इधर से पानी घुस के अंदर गली गली में, अभी हम लोग किधर जाएगा वो टाइम से? सरकार से क्या मांग करोगे? अभी गली में, जाम में नाला जाम है, सुरक्षित से कहां से होएगा? बड़ा नाला जाम। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सफाई करने वाले कर्मचारी के पास ना सही मास्क है, ना हैंड ग्लव्स है और ना ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
सूत्रों की माने तो यह सफाई कामगार डेली बेस पर काम करते हैं, जिन्हें रोजाना 500 रुपए पगार दिया जाता है। ठेकेदार को ना ही इनकी सुरक्षा का ख्याल है और ना ही आम जनता के स्वास्थ्य का, लेकिन इनसे सवाल कौन पूछेगा, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और इनका ही प्रशासन है और इनका ही ठेकेदार है। काम हो या ना हो, बिल तो पास होगा ही, आम जनता के पैसे से अधिकारी और ठेकेदार का जेब तो भर जाता है, लेकिन आम जनता को उनके पैसों के सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। फुटपाटी काम चालू है और यहाँ पे कोई सफाई हुआ नहीं है। अभी हमने आपको सब पूरा एरिया जांच की है, हमने दिखा है, कोई काम पूरा ईमानदारी से हुआ नहीं है और पूरा काम थूकपटी चालू है। और यहाँ पे हमारे नगर सेवक मंत्री ये तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन मंत्री कुछ कर रहे नहीं है। फिर भी हमारा कहना है कि मंत्री को आप चुन के आए हैं यहाँ पे, तो आप बोलते हैं हमने ये काम किए वो काम किए, लेकिन विधानसभा में हर चीज़ में आप तो एक रुपए का कोई काम किए नहीं है। और लेकिन वागले में जो कंडीशन इतनी बेकार है कि कोरोना में जो चीज की जरूरत है वो चीज हमको नहीं मिल रही है। क्या मांग करोगे आप सरकार से? आज नाली सफाई का काम को देखा गया, जरूरत ये चीज चाहिए कि हमें यहाँ पे जो शासन ने जो सरकार ने जो दिया है लोगों का सुविधा के लिए, वो चीज का पूरा सही तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होता नहीं है। और नाला सफाई विरोधी पक्ष नेता आके देखे गए शानू भाई ने, कुछ काम कुछ हुआ नहीं है, खाली उन्होंने अपना शानपन बताए लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे अभी आपने पूरा रामनगर पटा पूरा अगर अगर हाँ। अगर आप एक समाज सेवक हो, अगर ये सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, आगे का कदम आप क्या रहेगा, क्या आगे आप करना? तो मैं अपने पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन सेना की तरफ से, मैं बाबू से थाना शहर अध्यक्ष की तरफ से, अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो मैं उसके वजह आंदोलन और मेरा पत्र जाएगा आयुक्त। तो सुना आपने कि बाबू शेख ने यह भी कहा कि अगर ये काम सही तरीके से नहीं होगा तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मंत्री चाहे विपिन शर्मा थाने मनपा आयुक्त यह कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। लगातार हम इन सच्चाइयों को उठाते रहेंगे और आपसे एक निवेदन है कि आपके इलाके में अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज शासन तक हम पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवेश खान के साथ चंद्रशेखर विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेवी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन